हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यामा ग्लैडिएटर बाइक में जो कार्बोरेटर का प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि एयर फिल्टर में जो पेट्रोल जो ऑन करने का बाद में पेट्रोल ऑन करने का बाद में क्या होता है, पेट्रोल आ जाता है एयर फिल्टर में, इसे स्पीड में आता है जैसे कि कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए देखिए, यहाँ पर मिट्टी पे एक लीटर डाला था, नीचे में आ गया है फटाफट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और कौन सा प्रॉब्लम है ऐसा होता है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई भी बाइक को ऐसा प्रॉब्लम आता है तो क्या करना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम है ऐसा होता है। देखिए, ये कार्पेटर मैंने ओपन कर दिया है, अभी क्या करना है, इसको क्या क्या चेक करना है मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, ये जो कार्पेटर का मैंने साइड का कवर जो है खुल दिया है, अभी देखिए किस तरह बैठते हैं। इस तरह बैठते हैं, एयर फिल्टर में ये साइड रहता है, ये जो दो छेद दिखाई दे रहा है यहाँ पर आता है पेट्रोल जो है डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पर। देखिए इस तरह बैठता है कार्पेटर और यहाँ पर तेल आ जाता है, जो पेट्रोल आके ऐसे ही गिर जाता है, पूरा खाली हो जाता है 2 मिनट में, इतना स्पीड पर आता है। तो इस तरह में प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम में ऐसा तेल आता है, सबसे पहले देखिए मैं ये जो दो होल दिखाई दे रहा है क्या करना है, इसमें फूंक मारना है, हवा मारना है। मारने का बाद आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट कैसा हो रहा है और कहाँ पे हवा आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो पिन दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर में हवा आता है। और हवा क्यों आता है, हवा नहीं आना चाहिए। देखिए मैं हवा इसमें हवा मार के दिखा देता हूँ, फूंक मार के। तो क्या करना है, हम इस पर हवा मारता है और मार के दिखा देते हैं कहाँ पर लीक होता है। सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ क्योंकि एक हाथ से मोबाइल लगा है, एक हाथ से बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे वीडियो बनाने में। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह हवा आ रहा है। देखिए हवा आना नहीं चाहिए, हवा बंद होना चाहिए, तब जाके आपका एयर फिल्टर में पेट्रोल नहीं आएगा। और देखिए मैं पानी लगा के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए अभी फूंक मारता हूँ, देखिए किस तरह पानी निकाला है। तो इसको अभी कैसे बंद करना है, सबसे पहले देखिए ये जो एक्सेलेटर जो दबाता है उस टाइम में एक पिन रहता है अंदर में, देखिए अंदर में एक जो पिन होता है, तो एक पिन रहता है। ये जो पिन क्या होता है, कुछ कचरा वसरा जाने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, ये पिन एक्सेलेटर दबाने का बाद में जगह पर नहीं जाता है, इसलिए तेल लीक होता है। तो इसको हम ओपन करता है, इसको ओपन करने का बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा प्रॉब्लम में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे कोई चीज़ को बिल्कुल जाने बिना, क्योंकि ऐसे देखने से, देखिए यहाँ पर पिन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो पिन है यहाँ पर अंदर से जो पिन दिखाई दे रहा है, इसका अंदर में जाके क्या होता है, तेल बंद होता है, ये पिन इसका अंदर में जाता है तो तेल बंद हो जाता है। देखिए ये पिन के अंदर में जाता है, ये जो पिन है एक्सेलेटर में जो पिन होता है फ्लाईओवर पिन, तो ये तेल बंद होता है। और ये तेल बंद नहीं होने से क्या होगा, आपका यार कैलेंडर में मोबिल आ जाएगा, कुछ कचरा बसरा जाने से क्या होगा, ये ऊपर में उठ के बैठ जाएगा, तो क्या होगा, आपका तेल लीक हो जाएगा। क्या करना है, तो इसको अभी ठीक करना है, सफा करना है और मार के चेक करना है, क्योंकि ये अभी मैं लगा देता हूँ, इसको सफ़ा कर दिया है मैंने। अभी क्या करना है, चेक करना है इसको टाइट करके अच्छी तरह से, ये टाइट हो गया। अभी इसको फूंक मार के चेक करना है कि हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हवा आ रहा है तो तब भी फिर भी लीक होगा, और हवा नहीं आ रहा है तो क्या होगा आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये लीक, तब क्या होगा आपको ऐसे शायद लग जाएगा क्योंकि बंद हो गया। लेकिन
आपको अच्छी तरह से फूंक मार के चेक करना है कि क्या हवा आ रहा है या बंद हो गया है। इस तरह आपको उठा के इसको छोड़ना है। जो एक्सेलेटर में उठता है जब जो पिन है उसको उठा के छोड़ना है तब तो लॉक होगा। उसका बाद में आपको यहाँ पे फूंक मार के चेक करना है क्योंकि यहाँ पे हवा आ रहा है ना नहीं आ रहा है। हवा आने से आपका काम नहीं होगा, फिर भी आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर हवा मारना है और नहीं आ रहा है तो इसको एयर फिल्टर जो एक्सेलेटर जो फ्लाई आ रहे पिन है इसको अप डाउन करना है। तब आपका देखिए मैंने अभी लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया तेल, फिर भी तेल नहीं आ रहा है क्योंकि ये बंद हो चुका है। तेल अभी मैं दिखा देता हूँ, तेल भी ऑन ऑन है। देखिए यहाँ पर तेल ऑन करके रखा है। देखिए पहले से इसे ऑन करके रखने का बाद में इसे सब पेट्रोल सब मिट्टी में आ जाता है, नीचे में ना स्पीड में तेल आता है। तो वीडियो अच्छा लगे शेयर करना और सब्सक्राइब करना।